एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है पबजी मोबाइल एंड पबजी पीसी के अंदर। ये अपडेट इतना ज्यादा बड़ा है कि कोई पबजी मोबाइल प्लेयर जो है वो कभी अपने सपने भी नहीं सोच सकता था। एंड ये पीसी में तो एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है कि अभी एक कॉम्पिटिशन के लिए एक नया अपडेट आएगा पबजी में, जो कि वो दूसरे गेम से कम्पीट कर सके। पबजी मोबाइल में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आ रहा है इरेंगल वर्जन 2 का। इरेंगल वर्जन 2 क्या है? इरेंगल वर्जन 2 जो है वो रीमास्टर्ड वर्जन है इरेंगल मैप का, जो कि हमारा क्लासिक मैप है पबजी एंड पबजी मोबाइल के अंदर। ये सबसे ज्यादा खेले जाने वाला मैप है पबजी मोबाइल के अंदर। हालांकि पबजी पीसी में जो मैप सबसे ज्यादा खेला जाता है वो है मिरामार। इस न्यू मैप के रीमास्टर होने का मतलब ये है कि गेम में इस इरेंगल मैप को दोबारा से डेवलप किया गया है, पूरा चेंज कर दिया गया है, इसको और ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, प्लस इसकी ग्राफिक्स को भी चेंज किया गया है। इसका मतलब इसके अंदर आपको पुराने वाले इरेंगल मैप से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, प्लस ये उससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। रीमास्टर के साथ ही साथ जब इस दोबारा मैप को बनाया गया है तो इसमें जो भी बग्स एंड ग्लिचेस थे वो फिक्स कर दिए गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो पबजी मोबाइल प्लेयर कभी अपने सपने में सोच नहीं सकता था वो इस अपडेट के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। सिर्फ इरेंगल रीमास्टर के साथ ही साथ नहीं, काफी और भी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इरेंगल रीमास्टर्ड वर्जन पबजी मोबाइल में पहले से ही आ चुका है। ये अभी आप जो गेम प्ले देख रहे हैं ये है हमारे इरेंगल वर्जन 2 रीमास्टर्ड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेम प्ले बिल्कुल एक तरीके से चेंज है, कलर्स एंड ग्राफिक्स चेंज है, प्लस यहाँ पे पूरे गेम की दोबारा से डेवलपमेंट की गई है। ऐसी चीज गाइस पबजी मोबाइल में हो चुकी है जो कि आप कह सकते हैं पबजी मोबाइल चाइनीज वर्जन में। पबजी मोबाइल चाइनीज वर्जन में सेम यही ग्राफिक्स में नया गेम निकाला गया है, एंड प्लस उसके अंदर भी इरेंगल को रीमास्टर्ड किया गया है, यानी इरेंगल के ऊपर दोबारा से काम किया गया है। पबजी मोबाइल चाइनीज वर्जन जिसका नाम अभी गेम फॉर पीस है, उसका इरेंगल जो है वो हमारे पबजी मोबाइल जो अभी हम खेलते हैं उससे इरेंगल वर्जन से 63% के करीब डिफरेंट है। उसकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है, प्लस उनकी जो वेयर हाउसेज हैं उनको चेंज कर दिया गया है, घास जो है और जो पेड़ हैं वो अलग अलग जगह पे लगा दिए गए हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है चाइनीज वर्जन के अंदर। और वही चाइनीज वर्जन का डेवलपमेंट जो है वो पबजी पीसी में लाया गया, जिसका नाम रख दिया गया है इरेंगल वर्जन 2। इतना ही नहीं, इससे बहुत बड़ा फायदा उन लोग के लिए होगा जो कि इस गेम को पबजी मोबाइल में खेलते हैं, यानी इस गेम को मोबाइल के अंदर खेलते हैं। ये अपडेट जब हमारे पबजी मोबाइल के अंदर आएगा तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि उनको इरेंगल को दोबारा से बनाना पड़ेगा, यानी उनको दोबारा से इरेंगल मैप के ऊपर काम करना पड़ेगा जो कि रीडिज़ाइन होगा, एंड दोबारा से इरेंगल की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इससे आपका फ़ायदा ये हुआ कि जो इरेंगल में अभी बग्स एंड ग्लिचेस थे वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि किसी गेम में बग्स एंड ग्लिचेस को फिक्स करने के लिए आपको उस पूरे गेम को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो अभी वो इस पूरे मैप को रीडिज़ाइन करेंगे तो जो आपके बग्स एंड ग्लिचेस थे वो फिक्स हो जाएंगे, प्लस ये गेम ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपके लिए। तो अभी अगर आपका गेम इरेंगल के अंदर लैग करता था तो शायद से ये प्रॉब्लम जो है आपकी पबजी मोबाइल के अंदर खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं आखिर इस न्यू अपडेट के साथ और क्या क्या आने वाला है। इससे आपका जो सर्किल है वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इससे क्या है, जो सर्किल्स का जो टाइम डिले है वो भी कम हो गया है, सर्किल जो है वो थोड़ा सा स्लो मूव करेंगे, और ये इजी होगा कि आप गाड़ी के बिना भी इन सर्किल्स को पास कर सकें। लेकिन ब्लू जोन का जो डैमेज है वो इंक्रीज कर दिया गया है, यानी ये काफी अच्छी चीज भी है और काफी थोड़ी सी खराब चीज भी है। इतना ही नहीं, आप इसके अंदर पार्कोर भी कर सकते हैं जो कि आप असिशन ग्रीड में करते थे। इसके अंदर लेज ग्रैप आ गई है, उससे आप ये कर सकते हैं कि आप कहीं पर भी चढ़ सकते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर भी छलांग लगा सकते हैं, एंड अभी आप नहीं गिरेंगे। ये चीज जो है थोड़ा कॉम्पिटेटिव में काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि इससे आप काफी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स कर पाएंगे, यानी अगर आपके पीछे पूरी टीम पड़ गई है तो आप काफी अच्छी तरीके से वहां से भाग पाएंगे। इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक असली आर्मर्ड यूएसी आ रही है, जो कि जब आप फ्लेयर गन चलाएंगे तो वो आपके सामने आएगी। ये जो आर्मर्ड यूएसी है वो आपके साथ बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये आर्मर्ड यूएसी को आप पानी के अंदर एंड पानी के बाहर दोनों ही चला सकते हैं। ये VRDM इसका नाम है, एंड इसको एम्फीसियस व्हीकल्स भी कहा जाता है। ये आर्मर्ड यूएजी ओनली फ्लेयर गन से ही आपके पास आएगी, एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ आपको एक नए तरीके की किट भी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसको हम रिपेयर किट बोलते हैं। उस किट के जरिए अगर आपकी
गाड़ी की हेल्थ कम होगी तो आप उसको एज अ हेल्थ किट यूज कर सकते हैं। अभी तक रिपेयर किट की कोई ऑफिशियल इमेज नहीं आई है, लेकिन आप इस अपडेट के पेस्ट नोट्स उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये अपडेट पबजी मोबाइल में करीब 2 महीने के अंदर आ सकता है। एंड यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस पूरे अपडेट के बारे में। ओ सो आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो आज कितना